दोस्तों मोटरोला अभी के टाइम में काफी अच्छा काम कर रहा है। मोटरोला H50 फ्यूजन लॉन्च हो चुका है, दो वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, एक 8GB 128GB 23,000 रुपीस में और एक 12GB 256GB 26,000 रुपीस में। लेकिन दोस्तों अगर आप फास्ट सेल में खरीदने के लिए जाओगे, कार्ड डिस्काउंट लगाकर ये फोन आपको 21,000 रुपीस में भी मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मोटो H50 फ्यूजन का प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। देखिए 4-5 दिनों के बाद इसका एक डिटेल रिव्यू हमारे चैनल में आएगा, मैं अच्छी तरीके से फोन को टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही दोस्तों ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी दबा दो। सबसे पहले कुछ अच्छा पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसके वजह से इस फोन को आप लोगों को परचेस करना चाहिए। इस फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस POLED कार्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है, वीडियो वगैरह मैंने चेक किया था दोस्तों, डेफिनेटली आपको मायूस नहीं करेगा। ऊपर से 10-bit कलर डिस्प्ले है, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए बढ़िया स्मार्टफोन है। दूसरा रीजन, इस फोन में एंड्रॉइड 14 और हेलो UI देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों मोटोरोला ने वादा किया है और ऑफिशियल पेज में हाईलाइटेड भी है, 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल तक दोस्तों सिक्योरिटी अपडेट भी प्रोवाइड कराएगा मोटोरोला। तीसरा पॉइंट है कनेक्टिविटी, 15 5G बैंड इस फोन में मिलता है, वाईफाई 6 का ऑप्शन है, NFC का सपोर्ट भी इस फोन में मिलता है और ब्लूटूथ 5.2 दिया है। चौथा जो पॉइंट है ना, इस प्राइस में कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता है। देखिए इसका डिजाइन बढ़िया है, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, लाइट वेट फोन है, कंफर्टेबल फोन है। लेकिन दोस्तों इस फोन में IP68 का रेटिंग है, मतलब अगर आप इस फोन को पानी में लेकर उतर जाओगे, स्विमिंग पूल में लेकर उतरोगे, फोन डैमेज नहीं होगा, इस रेटिंग का मतलब यही है। फिर भी मैं कहूंगा पानी में लेकर मत उतरना। पांचवा पॉइंट, इसका कैमरा, मोटोरोला सच में दोस्तों उसके कैमरा के ऊपर इंप्रूवमेंट करता है और इस फोन में दोस्तों हम लोगों को नोटिस भी होता है, क्योंकि इस फोन में बैक साइड की तरफ जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है वो सोनी का सेंसर, सोनी LYT700C सेंसर मिलता है, ऊपर से OIS का ऑप्शन भी है, तो पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छा आएगा और OIS के वजह से नाइट में अगर आप लोग स्टेबल पिक्चर खींचना चाहते हो वो भी काफी अच्छा आएगा। छठा जो पॉइंट है इसका बैटरी, देखिए 5000mAh का बैटरी है, नॉर्मल यूजेस में एक दिन आराम से निकाल के दे देता है, लेकिन 68W का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर का ऑप्शन भी इस फोन में दिया है। अब चलो कुछ कमियां के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप ये फोन खरीदने के लिए जा रहे हो, आप लोगों को एक कमियां के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, इस फोन में कोई भी HDR कंटेंट आप लोग देख नहीं पाओगे, YouTube में 4K 60fps का ऑप्शन है, HDR का ऑप्शन नहीं दिया है। दूसरा चीज, इस फोन में 3.5mm जैक का ऑप्शन नहीं है। तीसरा चीज दोस्तों, डेडिकेटेड या हाइब्रिड कोई भी सिम स्लॉट नहीं है, बस आप लोगों को 2 नैनो सिम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चौथा जो पॉइंट है, देखिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर दिया है, काफी पावरफुल प्रोसेसर है, नॉर्मल यूजेस में लैग वगैरह जिटर वगैरह कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों जब आप लोग BGMI खेलने जाते हो, स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग करके BGMI खेल पाओगे, लेकिन क्लासिक मैच में जब आप लोग इवेंट में उतरोगे ना, तब दोस्तों थोड़ा सा लैग वगैरह मुझे दिखाई दिया है, जिटर वगैरह मुझे महसूस हुआ है। इवन जब मैं TDM वगैरह खेल रहा था स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, वहां पे दोस्तों थोड़ा सा मुझे लैग वगैरह दिखाई दिया है। तो ऑब्वियसली दोस्तों मोटोरोला के फोन जनरली गेमिंग के साथ ऑप्टिमाइज होके नहीं आता है, नॉर्मल डे टू लाइफ यूजर्स के लिए। ये सब कुछ को साइड में रखिए दोस्तों, फोन काफी अच्छा है, 21,000 रुपीस के हिसाब से अगर देखा जाए हर एक चीज इस फोन में दिया है, चाहे डिस्प्ले काफी अच्छा हो, बैटरी काफी अच्छा हो, IP68 का रेटिंग हो, कैमरा भी बहुत बढ़िया हो और डिजाइन भी बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ मिलाकर मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया फोन है, आप लोग जरूर इस फोन के पास एक बार चेक करना। देखिए ये जो सारे कमियां मैं आप लोगों को बताया हूं ना, ये उतना ज्यादा मायने भी नहीं रखता है, फिर भी आप लोगों को पता रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को अभी तक हमारे वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों इस फोन का कौन सा स्पेसिफिकेशन आपको सबसे अच्छा लगा, और इस फोन का डिटेल रिव्यू बहुत जल्द हमारे चैनल में आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो।